70 करोड़ की आबादी का हमारा देश भारत, दुनिया का सबसे बड़ा गणतंत्र, जो अंग्रेजों की 200 साल की दास्ता के बाद 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। ऐतिहासिक लाल किले के परकोटे से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत को शक्तिशाली, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक देश बनाने के लिए देशवासियों का आह्वान किया था। कोई बड़े सवाल हल नहीं हो सकते जब तक कि आम जनता का उसमें पूरा हल करने में सहयोग न हो और मदद न हो, क्योंकि पहला फर्ज आपका यह है, हमारा और आपका, हर एक का, कि हिंदुस्तान की खिदमत कुछ न कुछ करें। राष्ट्र के उदय काल से ही देश को बंटवारे का दर्द सहना पड़ा। 1 करोड़ से भी ज्यादा शरणार्थियों के लिए भोजन, कपड़ा, रहने की जगह और जीने के साधन जुटाने पड़े। भारतीय संघ में यहाँ की 600 से भी अधिक रियासतों का विलय किया गया। भारत के हर नागरिक के लिए संविधान में निश्चित हुआ सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता सुरक्षित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प। And the union and its component parts, the states, shall exercise all powers and functions of government and administration in accordance with the provisions of the said constitution. दूसरी महत्वपूर्ण घटना है गणतंत्र दिवस पर नई दिल्ली की मुख्य सड़कों पर 5 मील लंबी राष्ट्रपति की शोभा यात्रा। प्रथम गणतंत्र दिवस परेड में राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद का अभिवादन किया गया। भारत ने लोकसभा और विधानमंडलों के लिए वयस्कों को मताधिकार देकर संसदीय चुनाव प्रणाली को अपनाया। प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हर वस्तु हमारी प्रतीक्षा कर सकती है, मगर खेतीबाड़ी नहीं। कृषि अनुसंधान कार्य को प्राथमिकता दी गई, साथ ही किसानों को उन्नत बीज, खाद और खेतीबाड़ी के लिए आधुनिक उपकरणों की सुविधाएं दी गईं। नदियों के पानी का इस्तेमाल सिंचाई और बिजली उत्पादन के लिए किया गया। उन्नीस सौ बावन में
सामुदायिक विकास का कार्यक्रम शुरू किया गया। दूर दराज के हजारों गांवों को पीने का स्वच्छ जल पहुंचाने की व्यवस्था की गई। ग्राम विकास योजना द्वारा बढ़िया दूध के लिए अच्छी नस्ल के मवेशियों को बहाने और पशुपालन पर जोर दिया गया। मुर्गी पालन और मछली पालन से परिवारों की आमदनी बढ़ी और पौष्टिक आहार जुटाया गया। वर्षों से उपेक्षित ग्रामवासियों के लिए सामान्य प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्था की गई। मलेरिया, तपेदिक और हैजा जैसे भयंकर रोगों पर काबू पाया गया। चेचक का पूरी तरह उन्मूलन किया गया। शिक्षा को उच्चतम प्राथमिकता दी गई। 4 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा की व्यवस्था की गई। देश की एकता के लिए यातायात का योगदान बहुत महत्वपूर्ण होता है। आज सड़कें और रेलें बड़े बड़े शहरों और छोटे छोटे कस्बों को एक दूसरे से मिला रही हैं। 1985 तक देश के हर गांव को सड़कों से जोड़ दिया जाएगा। दूसरी पंचवर्षीय योजना में बड़े उद्योगों को बढ़ावा दिया गया। भूमि पर निर्भरता कम करने के लिए और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए औद्योगिकरण आवश्यक था। इस्पात संयंत्रों की स्थापना भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर में की गई। वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को उच्च दर्जे का शिक्षण देने के लिए प्रशिक्षण केंद्र खोले गए ताकि बढ़ते हुए औद्योगिक संयंत्रों की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के लिए मजबूत वैज्ञानिक आधार बहुत आवश्यक था, जिसके लिए कई अनुसंधान केंद्र स्थापित किए गए। भारत का प्रथम आणविक रिएक्टर अप्सरा सन 1956 में क्रियाशील हुआ। तब से हमारे वैज्ञानिकों ने कई संयंत्रों का निर्माण किया और उन्हें उपयोगी बनाया। भारत का मुख्य ध्येय रहा है कि वो अणुशक्ति का प्रयोग शांतिपूर्ण कार्यों, कृषि, औषधि और उद्योगों के लिए ही करेगा। स्वतंत्रता के कुछ वर्ष बाद ही भारत ने इंजीनियरिंग का भारी सामान, मशीनों के औजार, मिट्टी हटाने के उपकरण, रेल के डिब्बे, रेल इंजन, जहाज और विमान तथा मोटरें बनानी शुरू कर दी। लघु उद्योगों और उनकी सहायक इकाइयों ने उपभोक्ता सामग्री का निर्माण शुरू कर दिया। ১৯৬১ में भारतीय गणतंत्र ने 10 वर्ष पूरे किए। ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ ने सम्मानित अतिथि के रूप में भारत की प्रगति का सिंहावलोकन किया, जिसका सपना हमारे नेताओं ने देखा था। प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने चाहा था कि हमेशा प्रजातंत्र दिवस के अवसर पर देश के संपूर्ण विकास की झांकियां दिखाई जाएं, जिसमें हमारी परंपराओं के साथ साथ बदलते हुए समय की तस्वीर भी हो।
पंडित जवाहरलाल नेहरू बेहद शांति प्रिय व्यक्ति थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू, मार्शल टीटो और राष्ट्रपति नासिर गुट निरपेक्षवाद के जनक हैं, जिसका उदय 1961 में बेलग्रेड में हुआ। अब तक नदियों पर बांध का कार्यक्रम अधिकतर पूरा हो चुका है, जिसमें भाखड़ा नंगल सबसे बड़ी परियोजना है। 1947 में 2 करोड़ हेक्टेयर भूमि की सिंचाई हो सकती थी, मगर स्वतंत्रता के 15 वर्षों के अंदर सिंचाई की कार्यक्षमता दुगनी से ज्यादा हो गई। बिजली उत्पादन में कई गुना प्रगति हुई। बिजली, जिसका उपयोग खेतीबाड़ी, उद्योग और घरेलू जरूरतों के लिए किया जाता है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष गणतांत्रिक देश है। यहां विभिन्न धर्मों का महासंगम है। ।1964 में कैथोलिक चर्च के सबसे बड़े धर्मगुरु पोप पॉल VI भारत आए और बंबई में 38वीं अंतर्राष्ट्रीय यूकेरिस्टिक कांग्रेस का उद्घाटन किया। जब कश्मीर की वादी में घुसपैठियों ने हमारी शांति भंग करनी चाही, तो 1965 के स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने कहा, हम शांति प्रिय हैं, मगर किसी बाहरी धमकी को सहन नहीं कर सकते जिससे हमारी अखंडता को खतरा हो। वहाँ दूसरी तरफ हमें ये देखने को मिलता है कि कश्मीर पर हमला किया जा रहा है, और मैं जानता हूँ कि पाकिस्तान को उसको बढ़ाने का उसका पूरा इरादा है। तो एक सरकार के नाते हमारा क्या जवाब हो सकता है सिवाय इसके कि हम हथियारों का जवाब हथियारों से दें। भारत ने अपनी प्रतिरक्षा के लिए मोर्चाबंदी की। ताशकंद समझौता शांति का आश्वासन सिद्ध हुआ। भारत ने सदैव शांति और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर विश्वास किया है। The United Nations is the trustee of the world's peace and represents the hopes of mankind. Its very existence gives a feeling of assurance that the justice of true causes can be brought fearlessly before the world. This assembly and the agencies of the United Nations should, in all that they do, sustain those hopes and promote the causes of peace. 1967 में मानवीय सेवाओं और अंतर्राष्ट्रीय सूझबूझ के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार की स्थापना हुई। आर्थिक विकास कार्यक्रमों में तेजी लाने के लिए 14 मुख्य व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, जिससे समाज का कमजोर वर्ग लाभान्वित होकर अपना जीवन स्तर ऊंचा उठा सके। ।1971 में भारत में 10वीं जनगणना की गई, जिससे मालूम हुआ कि हमारी जनसंख्या 52 करोड़ से भी ज्यादा बढ़ चुकी है। तभी परिवार नियोजन का सार्वजनिक अभियान शुरू किया गया, जिसके अंतर्गत नियोजित परिवार, शिशु कल्याण और माँ के स्वास्थ्य पर जोर दिया गया। ।1971 में पूर्वी पाकिस्तान से लाखों शरणार्थी पनाह लेने के लिए हमारे देश में आए। इस समस्या को शांतिपूर्ण उपायों से सुलझाने की कोशिश की गई। 1971 के 3 दिसंबर को पाकिस्तानी वायुसेना ने भारतीय वायुसेना के पश्चिमी क्षेत्र पर आक्रमण कर दिया। भारत ने अपनी प्रतिरक्षा की।
भारतीय सेना ने मुक्ति वाहिनी को बांग्लादेश को आजादी दिलाने में अपना सहयोग दिया। 14 दिन के युद्ध का अंत 16 दिसंबर को हुआ, जब ढाका में आत्मसमर्पण के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर हुए और एक नए राष्ट्र बांग्लादेश का जन्म हुआ। ১৯৭২ के गणतंत्र दिवस पर भारत के अमर जवानों के प्रति सम्मान प्रकट किया गया, जिन्होंने देश की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए महान बलिदान दिए थे। बांग्लादेश युद्ध में भारतीय सेनाओं की महान विजय हुई। इस बार का गणतंत्र दिवस बहुत धूमधाम से मनाया गया। प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को राष्ट्र के उच्चतम पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ऐतिहासिक शिमला समझौते पर हस्ताक्षर करके भारत ने पाकिस्तान की ओर मैत्री का हाथ बढ़ाया और उपमहाद्वीप में शांति स्थापित करने की कोशिश की। ১৫ अगस्त ১৯৭২ भारतीय स्वतंत्रता की रजत जयंती। आज एक महान शक्ति है और हम सब जो भारत के निवासी हैं, उस शक्ति को हमें अपनी शक्ति से बढ़ाना है। हम आजाद हैं 25 साल से, लेकिन जैसे मैंने कहा कि जैसी आजादी हमको चाहिए वो आजादी हमको नहीं मिली है। वो आजादी होगी जब प्रत्येक व्यक्ति, स्त्री, पुरुष और बालक की मन की आजादी भी हो, आर्थिक आजादी हो, सामाजिक आजादी हो। हम इस भारत को एक सुंदर भारत, एक साफ भारत, एक प्रगतिशील भारत, एक चमकता भारत हम बनाएंगे। ये आज हम सबको प्रतिज्ञा करनी है। तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने बॉम्बे हाई में बड़े तेल भंडार का पता लगाया। 1947 में भारत 10 लाख टन से कम कच्चे तेल का उत्पादन करता था, जबकि आज उत्पादन 2 करोड़ 10 लाख टन हो चुका है। 26 जनवरी 1975 को भारत ने गणतंत्र के 25 वर्ष पूरे किए। उस समय राष्ट्रपति थे श्री फखरुद्दीन अली अहमद। ये समय था पीछे मुड़कर अपनी उपलब्धियों पर विचार करने का और आत्मविश्वास के साथ भविष्य की ओर अग्रसर होने का। इन वर्षों में प्रगति की गति सुचारू रही। 1947 में हमारी सिंचाई क्षमता 2 करोड़ हेक्टेयर की थी, जो 1981-82 में बढ़कर 5 करोड़ 60 लाख हेक्टेयर हो गई। खाद्यान्न की पैदावार 1950-51 में 5 करोड़ टन थी, जो आज बढ़कर 13 करोड़ 50 लाख टन हो गई है। कृषि प्रधान देश भारत अब दुनिया के बड़े 10 औद्योगिक राष्ट्रों में एक है। भारत ने रोहिणी उपग्रह द्वारा अंतरिक्ष युग में प्रवेश किया, जिसे भारत निर्मित SLV-3 रॉकेट से पूर्वी तट पर श्री हरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से छोड़ा गया। उपग्रह का उपयोग मौसम संबंधी जानकारी के लिए होता है, साथ ही इससे भारत की संचार क्षमता में भी प्रगति हुई है। 1947 में हमारी विद्युत शक्ति 19 लाख किलोवाट थी, जो 1981-82 में 33,800 मेगावाट हो गई। भारतवासी गणतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक समानता और दुनिया से मित्रता और सहयोग बनाए रखने के लिए दृढ़ संकल्प हैं।